بسم الله الرحمن الرحيم इंशाल्लाह इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 7.1 आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 to 14। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एक्सरसाइज 7.1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -4। एंड हैज द सेम सेंटर एज द सर्कल हुज इक्वेशन इज x² + y² - 4x - 6y - 23 इज इक्वल टू 0। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -4। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जो कि पास हो रहा है किससे, -2, -4 से। तो हम जानते हैं जब कभी भी कोई भी सर्कल या कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास होता है तो वो पॉइंट उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 विद द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -2, -4। सो -2, -4 मस्ट सेटिस्फाई। तो x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -2, और y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, -4। तो ये क्या बनेगा, -2² - 4² + 2g - 2 + 2f - 4 + c = 0। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 + 16 - 4g - 8f + c = 0। और 4 + 16 हमारा किसके बराबर होता है, 20 के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। अब बाकी दो इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमें गिवन क्या है कि एंड हैज द सेम सेंटर एट द सर्कल हुज इक्वेशन इज x² + y² - 4x - 6y - 23 = 0। सो x² + y² + 2gx + 2fy, ये सर्कल जो रिक्वायर्ड सर्कल है और जो गिवन सर्कल है, इन दोनों का जो सेंटर है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या लिखें, गिवन सर्कल एंड रिक्वायर्ड सर्कल हैविंग सेम सेंटर। अगर इन दोनों का सेम सेंटर है तो उसका मतलब ये है कि 2g हमारा किसके बराबर है, -4 के। कंपेयर करवा कर हम देखते हैं तो, और हमारा 2f किसके बराबर है, -6 के। यानी कि दोनों में g और f की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयर करवाने के बाद हमारा 2g किसके बराबर होगा, -4 के, और हमारा 2f बराबर होगा -6 के। तो इस तरह हमारा जो g है वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के, और जो हमारा f है वो किसके बराबर हो जाएगा, -3 के। तो हमने g भी निकाल लिया, हमने f भी निकाल लिया, हमें क्या निकालना है, c। तो इस g और f की वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या बनेगा, 20 - 4 - 2 - 8 - 3 + c = 0। तो क्या बनेगा, 20 + 8, इस तरह से हम जो हम ऐड करेंगे तो हमारा c किसके बराबर हो जाएगा, -52 के। तो इस तरह हमने g भी निकाल लिया, f भी निकाल लिया और c भी निकाल लिया। और हम जानते हैं सर्कल निकालने के लिए हमें तीन चीज़ चाहिए, g, f, c। हमारे पास g भी मौजूद है, f भी मौजूद है और c भी मौजूद है। तो therefore x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हमारा क्या, रिक्वायर्ड सर्कल। तो हम क्या करेंगे, g की जगह पर g की वैल्यू पुट करेंगे, f की जगह पर f की वैल्यू और c की जगह पर -52। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, x² + y² - 4x - 6y - 52 = 0। इट इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द इक्वेशन x = k cos α and y = k sin α रिप्रेजेंट अ सर्कल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन, जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, एंड रेडियस इक्वल टू k। और जो इसका रेडियस है तो हमें प्रूफ करना है कि इसका रेडियस किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, ठीक है। तो अच्छा, सर्कल कहाँ पर लाई कर रहा है, ओरिजिन पर। तो हम जानते हैं जब कभी भी सर्कल कहाँ पर लाई करता है, ओरिजिन पर लाई करता है, तो उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² + y² = r². सो इस सर्कल नहीं, यहाँ पर सेंटर है हमारा, अगर सेंटर हमारा ओरिजिन पर लाई करता है तो हम जानते हैं हम पर्टिकुलर केस वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि x² + y² = r². तो हमें गिवन है x हमारा बराबर है k cos अल्फ़ा के और हमारा y बराबर है k sin अल्फ़ा के। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k² cos² अल्फ़ा, और ये हमारे पास क्या होगा, k² sin² अल्फ़ा = r² डन है।
तो इस तरह हमें दिख रहा है कि दोनों टर्म में के स्क्वायर कॉमन है, तो हम के स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, वन के। जो हम के स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर। इट मीन्स के आर स्क्वायर हमारा किसके बराबर होगा, के स्क्वायर के। जो हम बोथ साइड रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारा आर बराबर हो जाएगा के के। इस तरह प्रूव हो गया कि जो हमारा रेडियस है वो किसके बराबर है, के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस ए विच पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स विच आर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है ऑफ रेडियस ए, जिसका रेडियस इसके बराबर है, ए के बराबर है, विच पासिस थ्रू द टू पॉइंट, जो दो पॉइंट से पास हो रहा है, कौन से दो पॉइंट, ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स, यानी कि एक्स एक्सिस के दो पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, विच आर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन, जो इसका ओरिजिन से डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, बी बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो विद द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। और जो हमारा रेडियस है वो किसके बराबर है, ए के, जिसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस ए। हमारा रेडियस किसके बराबर है, ए के बराबर है, और सर्कल पासिस थ्रू द टू पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स विच आर एट अ डिस्टेंस बी फ्रॉम द ओरिजिन। तो वो दो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस से पास हो रहा तो हमारे पास यही दो केस बन सकता है कि हमारा एक पॉइंट क्या बनेगा, बी कॉमा जीरो, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, माइनस बी कॉमा जीरो, क्योंकि जो ओरिजिन से डिस्टेंस है उस पॉइंट का वो कितना है, बी है। तो पॉसिबल है कि एक हमारा राइट साइड पर हो सकता है और एक हमारा लेफ्ट साइड पर, तो ये माइनस साइन जस्ट क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि लेफ्ट साइड को। तो हमारे पास दो पॉइंट होगा बी कॉमा जीरो एंड माइनस बी कॉमा जीरो, इसका मतलब ये है कि हमारा सर्कल इस दो पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर सर्कल हमारा इस दो पॉइंट से पास हो रहा है तो ये दो पॉइंट लाजमी क्या करेगा, इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। सो मस्ट सेटिस्फाई फॉर बी कॉमा जीरो, तो एक्स के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, बी, और वाई के जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस टू बी जी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशन नंबर वन। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, फोर माइनस बी कॉमा जीरो सेकेंड पॉइंट के लिए, तो अगेन हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पर माइनस बी पुट करेंगे और वाई की जगह पर जीरो पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस टू बी जी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू है, और हमें दिख रहा है दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर वन में प्लस टू बी जी है, इक्वेशन नंबर टू में माइनस टू बी जी। अगर इन दोनों को इक्वेशन को हम ऐड करवा दें तो टू बी जी हमारा क्या होगा, कैंसिल। तो एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, तो यहाँ से हमारा टू बी जी क्या होगा, कैंसिल। तो यहाँ से जो हम रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, टू बी स्क्वायर प्लस टू सी इक्वल टू जीरो, तो हमारा टू सी बराबर हो जाएगा माइनस टू बी स्क्वायर के, तो हमारा सी बराबर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर के। इस तरह हमने क्या निकाल लिया कि जो हमारा सी है वो किसके बराबर है, माइनस बी स्क्वायर के। इसी तरह अगर हम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम सब्ट्रैक्ट करवा दें तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी जी की वैल्यू, क्योंकि हमें दिख रहा है कि बी स्क्वायर और सी दोनों इक्वेशन में क्या है, पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन वन एंड टू, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, हमारा फोर जी बराबर हो रहा है जीरो के। तो यहाँ से फोर बी मल्टीप्लाई में उस तब जाएगा क्या होगा, डिवाइड में, तो हमारा जी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। इस तरह हमारा सी बराबर हो गया माइनस बी स्क्वायर के और हमारा जी किसके बराबर हो गया, जीरो के। अब हमें क्या निकालना है, एफ। तो हम जानते हैं फार्मूला कि आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, रेडियस वाला फार्मूला यूज किया है कि हमारा आर बराबर है ए के, जी बराबर है जीरो के, एफ हमें फाइंड करना है और हमारा सी किसके बराबर है, माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ से हमारा एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। जब स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह हमने जी भी फाइंड कर लिया, एफ भी फाइंड कर लिया और सी भी फाइंड कर लिया। सो देयरफॉर इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और फिर हम क्या करेंगे, अपना सी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू, चूंकि हमारा जी जीरो था तो ये टर्म हमारे पास क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा। तो टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग ईच एक्सिस एट अ डिस्टेंस
फाइव यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना है हमें, ये सवाल पेपर में आया हुआ है, कभी कभार ये कंप्लीट पेपर में आया था या फिर कभी कभार आपको क्वाड्रेंट मेंशन करता है। यहाँ पर हमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या निकालो, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, जो कि क्या कर रहा है, टचिंग ईच एक्सिस, वो क्या कर रहा है, हर एक्सिस को टच कर रहा है। यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि ये किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस को टच कर रहा है, बल्कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये हर एक्सिस को टच कर रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, चारों क्वाड्रेंट के लिहाज से बनाएंगे। अच्छा, हमें क्या कह रहा है, एट अ डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, और जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम, हो सकता है कि हमारा सर्कल कहाँ पर हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर हमारे पास कहाँ पर हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम चारों के लिहाज से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर समझने की बात क्या है कि जो टच कर रहा है वो कितने ओरिजिन से 5 यूनिट बन रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। तो अगर ओरिजिन से 5 यूनिट बन रहा है तो हम जानते हैं कि सेंटर से लेकर सर्कल तक का फासला क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। तो हमारा रेडियस किसके बराबर होगा, 5 के हर एक सर्कल के अंदर। तो सच डेट हमने क्या लिखा है कि हमारा रेडियस किसके बराबर है, 5 यूनिट्स के। अब अगर हमारा सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई हमारा दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये हमारा क्या होगा, 5.5। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम जानते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बनेगा, -5.5। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो क्या बनेगा, -5.5, क्योंकि हम जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। और अगर ये फोर्थ में लाई कर रहा है तो हमारा एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा, नेगेटिव। तो हम चारों के लिहाज से बनाएंगे। सो फोर सर्कल लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम जानते हैं -g, -f हमारा किसके बराबर होगा, 5.5 के। लेकिन हमें सर्कल निकालने के लिए हमें सेंटर नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, सर्कल। और सर्कल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जी और एफ, ठीक है। जो हमें सेंटर निकालने बोलेगा तो हम क्या निकालेंगे, -g, -f। लेकिन जो हमें सर्कल निकालने बोलेगा तो हम जी और एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह जी और एफ हमारा किसके बराबर होगा, -5.5 के। अब हमें सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए हम रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि वी नो दैट आर स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो हमारा सी किसके बराबर आएगा, यहाँ से 25 यूनिट्स के। अब हमारे पास जी एफ सी तीनों मौजूद है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -5, एफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -5, और हमारा सी किसके बराबर, 25 के। तो इसका हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू जीरो। सिमिलरली फोर सर्कल लाए ऑन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हमारा सर्कल कहाँ पर लाए करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा -g, -f किसके बराबर होगा, -5.5 के। तो यहाँ से हमारा g और f बराबर हो जाएगा 5, -5 के। तो हमारे g की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के, f बराबर है -5 के। हमें क्या निकालना है, c। तो अगेन रेडियस वाला फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, c, और हमारा c किसके बराबर है, अगेन 25 यूनिट्स के। अब इन तीनों वैल्यू को हम क्या करेंगे, अपने सर्कल में पुट करके इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर इसी तरह हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए काम करेंगे, और फिर सिमिलरली हम किसके काम करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। इस तरह हम क्या करेंगे, चारों क्वाड्रेंट के लिहाज से इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। पेपर में आपको हो सकता है कोई क्वाड्रेंट बता दे, अगर जो क्वाड्रेंट बताएगा तो आप उसके लिहाज से काम करोगे, अगर क्वाड्रेंट नहीं बताएगा तो हमें चारों क्वाड्रेंट के लिहाज से काम करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको, जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 10-14 समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट से पूछ सकते हैं। ये सवाल आपका आज का होमवर्क है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्सिस। तो रिक्वायर्ड सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मीन 0.0, तो हमें एक पॉइंट हमारे पास क्या है, 0.0 है, एंड कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 3.0 and 0.4, और किससे पास हो रहा है, 3.0 से एंड 0.4 से। तो हमें क्या कह रहा है, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4 फ्रॉम द एक्सिस। इंटरसेप्ट मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब ये एक्स एक्सिस कट करेगा तो हम जानते हैं कि हमारे पास क्या होगा, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 3.0, और वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 0.4। तो therefore सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट 0.0, 3.0 and 0.4। और जब तीन पॉइंट हमें गिवन होता है तो किस तरह हम सर्कल फाइंड करते हैं, ये तीनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको पुट करवा के तीन इक्वेशन बनाएंगे, और तीन इक्वेशन बनाने के बाद हम क्या कर लेंगे, उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जी एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे, और इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर 15 to 20। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।